शुरुआत में हमें एक अंधेरे कमरे में बैठा आदमी दिखता है जो कि फूट फूट कर रो रहा होता है। अचानक वो किसी काम से उस कमरे से बाहर निकलता है और फिर जब दोबारा से अंदर आने के लिए कमरे के अंदर झांकता है तो उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देख वो डर जाता है और घर से बाहर भाग जाता है कि तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज में एक मैसेज होता है, अब हमें शाओजिन को बुलाना ही होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बच्चा दिखाई देता है जिसने अपने हाथों में एक नकली आग पकड़ी हुई थी। ये सीन एक भूत बंगले का है जिसका मास्टर जिन है और वो इस हॉरर हाउस में काम करता है जहाँ लोग हॉरर एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आते हैं। ये बच्चा भी यहाँ ऐसे ही हॉरर एक्सपीरियंस लेने के लिए आया था और इसने अपने हाथों में ये कस्ट्यूम वाली नकली आइस पकड़ी हुई थी। जिन उस बच्चे से वो आंखें मांगता है मगर वो बच्चा उसे देने से मना कर देता है। वो उस पर बहुत चिल्लाता है जिसे सुनकर उस बच्चे के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं जो ऐसा होता देख जिन की उसके मैनेजर से कंप्लेंट कर देते हैं। अब अपनी नौकरी से फायर हो चुका जिन अगले दिन अपने बिस्तर पर सोता हुआ नजर आता है। यहाँ उसे उसकी दादी माँ की कॉल आती है। वो उसे डांटती हुई कहती है, जल्दी उठो और अपने स्कूल के लिए निकलो। ये सुन जिन फौरन अपने स्कूल के लिए निकल जाता है जहाँ सड़क पर ही उसे एक और लड़का दिखता है जिसका नाम लीन है। साइकिल पर सवार लीन जिन से रेस लगाता है और फिर सड़क पर औंधे मुंह गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल को दिखाया जाता है जहां जिन के टीचर उसका क्लास से इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं। उसके टीचर उसे कहते हैं कि जाओ तुम लिटिल प्रिंसेस के साथ बैठ जाओ। बट जिन एक सुंदर सी लड़की के साथ जाकर बैठ जाता है। तभी उसके टीचर कहते हैं कि वो लिटिल प्रिंसेस नहीं है। फिर वो एक मोटी सी लड़की के साथ बैठता है और वो भी लिटिल प्रिंसेस नहीं होती है। फिर आखिर में हमें पता चलता है कि जिन के साइड में बैठे एक लड़के का नाम लिटिल प्रिंसेस होता है। वैसे इस लड़के का रियल नेम होम है और ये एक नंबर का डरपोक है। क्लास ओवर होने के बाद जिन अपने मोबाइल में आया एक वॉइस नोट को चेक करता है। ये वॉइस नोट उसकी दादी का था जिसमें वो कहती है कि तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है जिसके कारण तुम्हें घर वापस आकर हमारे फैमिली बिजनेस को संभालना होगा। इस वॉइस मैसेज को सुनता सुनता जिन टॉयलेट में घुस जाता है जहाँ वो कुछ लड़कों को देखता है जो एक दूसरे बच्चे को बुली कर रहे थे। मगर वो इन लड़कों की हरकतों को नजरअंदाज कर देता है और वो इस नोट को सुनने में लग जाता है कि तभी उन्हीं में से एक लड़का जिन की तरफ आता है और उसके कान में फुसफुसाने लगता है। ऐसा होते देख जिन को गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़के के मुँह पे एक मुक्का मार देता है। ये देख तुरंत उसके दोस्त जिन को मारने के लिए दौड़ते हैं बट जिन अकेले ही उनका कचंबर बना देता है। बाद में वो देखता है कि जिसे वो लड़के परेशान कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि लिटिल प्रिंसेस या यू कहे होम ही था। होम उन शैतान बच्चों को जिन द्वारा सबक सिखाने के लिए अभी उसका थैंक यू कर ही रहा था कि तभी लीन टॉयलेट से बाहर निकलता है। उन पुलिस की गैंग से डरकर लीन बहुत देर से टॉयलेट में ही छिपा हुआ था। लीन भी एक नंबर का डरपोक होता है। अभी ये सब हो ही रहा था कि तभी अचानक टीचर टॉयलेट में एंट्री लेते हैं और सामने मौजूद नजारे को देख ये मिस एंटिसिपेट कर लेते हैं कि जिन होम और लीन ने उस लड़के की पिटाई की। ये देख सर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। देखते ही देखते ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। अब सब ये जान चुके थे कि इन तीन लड़कों ने मिलकर स्कूल के बच्चों की पिटाई की है, इसलिए अब ये स्कूल के सभी बदमाश बच्चों का प्राइम टारगेट बन चुके थे। इसके बाद स्कूल के सभी बुलीज ने लीन और होम को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर लीन एक बार छत से कूदने की कोशिश करता है मगर छत की दीवार काफी ऊंची थी और डरपोक लीन उससे कूद नहीं पाता। वो भाग के सीधा पीछे जाता है और नीचे बैठे जिन को इस पूरी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराता है। ये बातचीत अभी चल ही रही होती है कि तभी जिन को उसकी दादी का मैसेज आता है। वो उसे उसके ग्रैंडपा की एक इमेज भेजती है जिसमें उसके दादाजी बेहद बीमार नजर आते हैं। इसकी दादी उससे कहती है कि बेटा अब तो तुम्हें घर वापस आना ही होगा, तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। अगले सीन में हमें जीन दिखता है जो कि एक ट्रेन में बैठा हुआ था। उसके पीछे लीन और होम भी बैठे नजर आते हैं। इनफैक्ट उन दोनों ने जिन के साथ ही चलने का फैसला किया है ताकि जिन की एब्सेंस में कोई उनका बैंड ना बजा सके। सफर के दौरान जिन इन दोनों से बात करता हुआ कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, यानी
उनकी बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है। यह सुनकर लीन और होम को जीन के लिए काफी बुरा लगता है, बट जीन अपनी बात कहना जारी रखता है। वो कहता है हमारा एक फैमिली बिजनेस भी है। दरअसल जीन की फैमिली का एक होटल होता है जिसे कि अब जीन को ही संभालना है, मगर जीन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीन नहीं चाहता कि वो आगे इस होटल को संभाले। मीनवाइल जीन अपने दोस्तों को उस होटल की फोटोज दिखाता है, जिसे देख वो काफी हैरान होता है। फोटोज में ये होटल काफी आलिशान दिख रहा था, बट जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो उनके सामने ये गंदा सा दिखने वाला होटल होता है। ये काफी पुराना और टूटा फूटा होता है। अभी वो बाहर से होटल को देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अंदर से किसी के गुस्सा करने की आवाज आती है। दरअसल ये गुस्साए कस्टमर्स होते हैं जिन्हें उनकी होटल की सर्विस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो जिनके दादाजी से रिफंड डिमांड करते हैं, जिसके बाद उसके दादाजी जानबूझकर उन पैसों पर खांस देते हैं और उनके मुंह से निकलकर खून उन नोटों पर लग जाता है। ऐसा होता देख वो गेस्ट अपने पैसे लिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के सामने आते हैं। अब यहाँ उन दोनों को कंफ्यूजन होता है, जहाँ जिन की दादी होम को जिन समझकर पुचकारने लगती है, तो वही उसके दादाजी लीन को जिन समझकर गले लगा लेते हैं। मगर जब बाद में उन्हें ये पता चलता है कि उन दोनों में से कोई भी जिन नहीं है बल्कि बीच वाला लड़का जिन है, तो वो उसकी तरफ शर्म भरी निगाहों से देखते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। ये देख जिन भी गुस्सा हो जाता है और लीन की टोपी खींच देता है। इसके बाद जैसे ही वो उस हॉरर से दिखने वाले लॉज के अंदर जाते हैं, तो रिसेप्शन पर बैठे उसके कंजूस दादाजी जिनके दोनों दोस्तों से पूरे पैसे लेते हैं और बदले में उन्हें तीन अलग अलग कमरों की चाबियां दे देते हैं। इसके बाद वो तीनों ही अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। पर जैसे ही वो उन कमरों में घुसते हैं, तो उन्हें यहाँ की हालत पता चल जाती है। यहाँ सब कुछ खराब पड़ा था, ना ही लीन के कमरे का टीवी काम कर रहा था और ना ही होम के कमरे की लाइट्स ढंग से चल रही होती है। साथ ही साथ जैसे ही जिन कुर्सी पर बैठा तो वो भी टूट गई थी। इन शॉर्ट यह सब कुछ बहुत पुराना और बेकार था। इसी बीच रात हो जाती है। रात को 12 बजते ही सारे होटल की लाइट्स बंद हो जाती है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाता है। अब हमें जिन अपने बिस्तर पर सोया नजर आता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिन अपने बिस्तर पर लेटा ही होता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज का पीछा करता हुआ जिन होटल की लॉबी में जाता है, जहाँ कुछ कदम चलने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसे होम नजर आता है। डरपोक होम भूतों से डरकर कमरे से बाहर आ गया था और उसने डर के मारे जिन के पैर पकड़ लिए थे। अभी होम जिन को ये सभी बातें बता ही रहा होता है कि तभी उसे जिन के पीछे दो पैर नजर आते हैं, मगर वो भी किसी और का नहीं बल्कि लीन के ही होते हैं। दरअसल लीन नींद में चल रहा था और हो सकता है कि वही नींद में चलते चलते ये आवाजें निकल रहा हो। ये सोच वो दोनों इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन जब सुबह वो तीनों उठकर नीचे पहुंचते हैं, तो जिन की दादी बताती है कि उन्होंने आसपास पड़े सभी सामान पर सफेद चादरें चढ़ा रखी थी ताकि उन पर धूल मिट्टी जमा ना हो, मगर अब ये चादरें काफी गंदी हो गई है और इन्हें धोने की जरूरत है। जिन की दादी उसे इन्हें धोने को कहती है। जिन उनके कहे अनुसार उन चादरों को धोने के लिए निकलता है कि तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। वो टेलीफोन का रिसीवर उठाता है, मगर दूसरी तरफ से उसे कोई भी आवाज नहीं आती है। इसके बाद वो लीन और होम को देखता है। वो दोनों वहाँ स्प्रिंग में खेल रहे थे और जिन के दादाजी उन्हें ऐसा करते हुए कैमरे से कैप्चर कर रहे थे। दरअसल वो उन दोनों की फोटोज अपने होटल की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए खींच रहे थे। खैर इसके बाद जब वो स्प्रिंग से बाहर निकल रहे थे, तो अचानक लीन का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस कारण उसकी उंगली में चोट लग जाती है और वो बहुत तेजी से चीखता है। उसे दर्द में देख जीन और होम फौरन उसे लेकर एक कमरे में जाते हैं, जहाँ वो बैंडेज की तलाश करने लगते हैं। इसी खोजबीन में जीन को एक पुराना कैमरा मिलता है जिसमें उसकी बचपन की फोटो सेव्ड होती है। जिन उन तस्वीरों को देख अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। वो याद करता है कि कैसे बचपन में उसका सपना एक होटल मैनेजर बनने का था, कि तभी पीछे वो दोनों भी जिन की बचपन की फोटोज देखने लगते हैं, जिसे देख जिन फौरन ही उन दोनों को भगा देता है।
इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जीन, लिन और होम नजर आते हैं। रात के इस पहर लिन हॉट स्प्रिंग में जाना चाहता है, मगर जीन और लिन उसके साथ चलने से साफ मना कर देते हैं। तो फिर होम अकेले ही स्प्रिंग के लिए निकल पड़ता है। अभी लिन को स्प्रिंग में कुछ ही मिनट बीते थे कि उसे स्प्रिंग में से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। वो इन आवाजों के नजदीक जाता है तो पाता है कि ये आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि पानी के अंदर से आ रही थी। और जैसे ही वो उसके नजदीक जाता है तो पानी से एक हाथ बाहर निकलता है, जिसे देख होम के तोते उड़ जाते हैं और वो इतना डर जाता है कि वहां से भागकर सीधा जीन की गोद में चढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि लिन ये नजारा कमरे के बाहर से देख रहा होता है और जैसे ही जीन की नजर उस पर पड़ती है तो वो इसे उनका प्राइवेट मोमेंट समझकर वहां से जाने लगता है। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए जीन तुरंत होम को मुक्का मारकर पीछे गिराता है। अब जमीन पर नंगे पड़े होम को लिन तौलिए से ढकने लगता है कि तभी उसे होश आ जाता है और वो डरते डरते सारी बात जीन और लिन को बताता है। वो बताता है कि उसे स्प्रिंग में भूत दिखा, मगर जीन उस इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और सोने के लिए कहता है। अब लिन को नींद में चलते हुए दिखाया जाता है, मगर जल्द ही लिन चलना बंद करके नीचे फर्श पर लेट जाता है और वहाँ लेटे लेटे ही उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुन उसकी नींद खुल जाती है और आंखें खुलते ही वो अपने ऊपर लहराती हुई दो टांगों को देखता है, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और वो सीधा जिन के कमरे की ओर दौड़ लगाता है। इतने में वहाँ होम भी आ जाता है और जिन उन दोनों से कहता है कि अगली बार जब तक तुम उस भूत का चेहरा ना देख लो तब तक मेरे पास मत आना। मगर वो दोनों इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपने कमरों में जाने से मना कर दिया और जिन के साथ ही सो गए। मगर जिन के लिए ये रात काटना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जहाँ होम नींद में उसके बाल खींचकर उसे खूब तंग कर रहा था, तो वही लिन नींद में उठ उठ कर उसे देख रहा था। उसका ज़ॉम्बी जैसा चेहरा जिन को खूब सता रहा था। खैर, ये रात भी गई और बात भी। अगले दिन जब सुबह होती है तो जिन अपने वॉशरूम में जाता है, मगर वो देखता है कि वहाँ पहले से ही लिन और होम कब्जा किए बैठे है। ये देख गुस्साया जिन दूसरे वॉशरूम में जाने के लिए निकल पड़ता है, मगर वो बीच रास्ते में ही ये नोटिस करता है कि पीछे रखी एक अलमारी से दो पैर बाहर आ रहे थे। ये देख जिन की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो इंसानों से तो लड़ सकता है, मगर भूतों को संभालना उसके भी बस की बात नहीं है। अब डरा हुआ जिन सीधा अपने कमरे की ओर भागता है और वहां जाकर लिन और होम से चिपट जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैंने भी भूत के पैर देखे, जिसके बाद वो दोनों डरपोक लड़के और भी ज्यादा डर जाते हैं कि तभी वहाँ जिन की ग्रैंडमा आती है और जिन उनसे पूछता है कि क्या कभी आपने भूत देखा है। वो वहाँ से बिना कोई जवाब दिए ही चली जाती है। इस दौरान लिन की नजर दरवाजे के उस पार अंधेरे में लेटे ग्रैंडपा पर पड़ती है और उन्हें देख वो कुछ सोचता है और फिर होम और जिन से कहता है कि हकीकत में ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों ही मर चुके हैं और हमें उनका भूत नजर आ रहा है। वो दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते, पर तभी दिखाया जाता है कि दादाजी और दादी जी वहाँ से गुजर रहे हैं और उन्हें उनके पीछे भूत के हाथ और पैर दिखाई देते हैं, जिसे देख वो तीनों काफी घबरा जाते हैं और जिन गुस्से में आकर भूत को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। ये गालियां इतनी भयानक थी कि दादाजी इन्हें सुन बेहोश हो जाते हैं। बाद में जब उन्हें होश आता है तो वो जिन को बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी हरकतों से बाहर आना होगा, तुम्हें थोड़ा जिम्मेदार बनना होगा, आगे चलकर ये काम तुम्हें ही तो संभालना है। ये सुन जिन उनसे माफी मांगता है और कहता है सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहता है कि आप भी ये सब छोड़कर मेरे साथ शहर चलिए, मगर वो उसके साथ चलने से मना कर देते हैं। ये देख जिन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगले दिन सुबह होते ही वो अपने दोस्तों के साथ वापस शहर के लिए निकल पड़ता है। जब वो उस होटल से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें हॉट स्प्रिंग से आ रही कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुन वो तीनों उसके करीब जाते हैं और झाँक कर उसके भीतर देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें पानी में तैरती एक लाश दिखती है, जिसे देख उन सबकी हालत खराब हो जाती है। अब क्योंकि जिन को ये जानना था
कि वो लाश किसकी है, इसलिए वो इसके नजदीक जाता है और उस लाश के मुंह से तौलिया हटाता है। तौलिया हटते ही उसे अपने दादाजी नजर आते हैं। यह नजारा देख जीन चौंक जाता है कि तभी पीछे खड़ा लिन चिल्लाकर कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं। अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी उस लाश की आंखें खुलते दिख जाती है। ये देख उन तीनों की डर से हालत खराब हो जाती है और वो सीधा अंदर की ओर दौड़ लगाते है, जहाँ उनकी मुलाकात दरवाजे पर खड़ी दादी जी से होती है। उन्हें देखते ही लिन न आओ देखता है न ताओ सीधा उन पर हमला बोल देता है। वो उन पर कूद कर उनका कचुम्बर बना देता है। इसके बाद ये सीन यही कट होता है और हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है। जी हाँ, दादाजी जिंदा है। दरअसल वो हॉट स्विंग में नहाते नहाते सो गए थे और दादी जी भी लीन के वार से घायल होने के बाद से चुपचाप कुर्सी पर बैठी है। इसके बाद दादाजी कहते हैं कि तुम सब बेवकूफ हो, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, पर हाँ अक्सर हमें यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा की आत्मा दिखती रहती है और वो इसलिए क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। अपने पेरेंट्स का ये जिक्र आते ही जिन काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी उन्हें बेल की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वह सुजुकी आई हुई थी, सुजुकी जिन की बचपन की दोस्त है और वो आज उससे मिलने को आई है। जिन को देख सुजुकी कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल्स करी पर तुमने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाई। अब ये सुन जिन को सारी बात समझ आ जाती है। वो समझ जाता है कि उसके कमरे में जो कॉल्स आया करती थी, जिसमें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी, वो सुजुकी ही करती थी। साथ ही रात के वक्त जो उसे उसका नाम सुनाई देता था वो भी सुजुकी ही पुकारती थी। सुजुकी जिन को बहुत ज्यादा लाइक करती है, इसलिए वो ये सब कर रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन की दादी उसके दादा से बात कर रही होती है। वो कहती है कि आज तो हमने जैसे तैसे जिन को जाने से रोक लिया, पर हम आगे क्या करेंगे। इस दौरान दादी जी किसी लंबे बालों वाली औरत को कंघी कर रही थी। दादी की इस बात को सुन दादाजी कहते हैं कि अब सही वक्त आ चुका है, हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। वहाँ दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लीन और होम दोनों स्प्रिंग में मस्ती कर रहे थे। उन्हें देख जिन भी बाहर आ जाता है क्योंकि वो भी होटल के अंदर नहीं रहना चाहता, और भला एक वही तो जगह थी उस होटल में जहाँ सचमुच एंजॉय किया जा सकता था। इतने में होम जिन से कहता है कि तुम भी हॉट स्प्रिंग में क्यों नहीं आ जाते। तो जिन इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं स्प्रिंग में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी मोम की डेथ भी स्प्रिंग में डूबने की वजह से हुई थी। ये सुन वो दोनों डर जाते हैं और जल्दी जल्दी स्प्रिंग से बाहर निकलने लगते हैं कि तभी जिन उन्हें रोकता है और कहता है कि अरे डरो मत, वो कोई और हॉट स्प्रिंग था। अभी जिन ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी वह सुजुकी आ जाती है। सुजुकी भी हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए आई थी और वो भी हॉट स्प्रिंग में घुस जाती है। इसके बाद जिन उन्हें अपने बचपन की कहानी सुनाना शुरू करता है। जिन कहता है कि ये मेरे बचपन की बात है, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। मेरे मोम डैड घूमने के लिए जापान गए थे, वह बहुत ठंड थी और उसी ठंड में हार्ट अटैक पड़ने के कारण मेरे डैड की डेथ हो गई थी। डैड की डेथ के बाद मोम ने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया था। एक दिन जब वह बहुत ज्यादा दारू पीकर हॉट स्प्रिंग में गई थी तो वही डूबकर मर गई और कुछ यूं मैंने अपने दोनों ही पेरेंट्स को खो दिए। ये सुन उन तीनों को जिन के लिए काफी बुरा लगता है और बाद में वो अपने अपने कमरों की ओर चल देते हैं। इसके बाद लीन और होम को दिखाया जाता है जिन्हें होटल के कॉरिडोर में दोबारा से कुछ आवाजें सुनाई देती है। इतने में जिन भी वहाँ आ जाता है और उसे भी ये आवाजें सुनाई देती है। इन आवाजों को सुन जिन ये डिसाइड करता है कि अब वो होटल के हर एक कमरे में जाकर ये चेक करेगा कि भला ये आवाजें कहाँ से आ रही है। पहले तो लीन ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, मगर अब वो कर भी क्या सकता है। मजबूरन वो इन दोनों के पीछे आ जाता है। अब ये तीनों डरपोक एक एक कर सभी कमरों की फोटो लेते हैं और फिर एक जगह बैठकर उन सभी फोटोज को देखने लगते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि कोई चादर ओढ़े बेड पर बैठा हुआ है। ये देख लीन की चीख निकल जाती है और वो वही बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो तीनों डरते डरते फिर से उस कमरे की ओर जाते हैं और फाइनली हिम्मत करके उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वो उस ब्लैंकेट को हटाकर देखते हैं तो उसमें से कोई भी नहीं निकलता, यानी वो ब्लैंकेट ऐसे ही हवा में उड़ रहा था। वो ये देख काफी डर जाते हैं और फौरन अपने दादा दादी के कमरे की तरफ दौड़ लगाते हैं। वहाँ पहुँच वो दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो दरवाजा नहीं खुलता है कि तभी वह सुजुकी आ जाती है और वो होम को उस दरवाजे पर धकेल कर उसे खोल देती है। अब जैसे ही वो चारों कमरे के अंदर घुसते हैं तो अंदर का नजारा देख हैरान हो जाते हैं।
अंदर पड़े सामान को देख ये बता पाना मुश्किल नहीं था कि जिनके दादा दादी उसके मरे हुए पेरेंट्स को वापस बुलाने के लिए जादू टोना कर रहे थे। अब जिन ये देख फैसला करता है कि वो अपने पेरेंट्स को शांति दिलाएगा और उसके दोस्त उसका इस काम में साथ भी देते हैं। वो चारों पूरे कमरे की फर्श पर एक व्हाइट पाउडर फैला देते हैं ताकि अगर कोई भी उस रास्ते से अंदर आते हैं तो उसके पैरों पर निशान उस पाउडर पर छप जाए। इसके बाद वो सबके सब अपने हाथ में कैंडल्स थामे वहाँ भूत का इंतजार करने लगते हैं कि तभी उन्हें वो डरावनी आवाजें सुनाई देती है जिसे सुन सभी बाहर की ओर जाने लगते हैं, मगर जिन सुजुकी को साथ आने से मना करता है। इस बात पर सुजुकी कहती है कि तुम मुझे इसलिए साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। इस सवाल का जवाब देते हुए जिन कहता है कि नहीं, हम तुम्हें साथ इसलिए नहीं लेकर जा रहे क्योंकि अगर हमें मदद की जरूरत पड़ी तो तुम ही हमारे लिए मदद का इंतजाम कर सकती हो। ये कहकर वो तीनों वहाँ से होटल की लॉबी की तरफ बढ़ जाते हैं। डरते डरते ये तीनों होटल के रिसेप्शन तक पहुँचते हैं जहाँ खिड़की के बाहर लीन एक भूत को देखता है जिसे देख उसकी हालत खराब हो जाती है। वही दूसरी ओर सुजुकी भी बाथरूम से आ रही कुछ आवाजों को सुनती है जिन्हें सुन वो फौरन बाथरूम में जाकर चेक करती है जहाँ उसे एक खुफिया रास्ता नजर आता है। वही दूसरी तरफ हमें वो तीनों दिखाए जाते हैं जो सीढ़ियों के पास किसी के पैरों के निशान छपे देखते हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर जाते ही वो निशान भी खत्म हो जाते हैं कि तभी उनके सामने एक दरवाजा खुलता है। इसके बाद कैमरे का फ्रेम बदलता है और सीन फिर से एक बार सुजुकी पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ सुजुकी एक गुप्त कमरे की तलाश कर चुकी है और वो उसमें आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन और उसके दोस्त फिर से एक बार पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर जल्द ही वो निशान एक कोने में जाकर खत्म हो जाती है। अगले ही पल जैसे ही वो अपनी मुंडिया ऊपर उठाते हैं तो उन्हें अलमारी के ऊपर बैठी एक भूतनी दिखाई देती है। अब ये नजारा देख उन तीनों की हालत खराब हो जाती है, मगर तभी जिन को एहसास होता है कि शायद ये उसके मम्मी पापा है, इसलिए वो आगे बढ़ता है और घुटनों के बल बैठकर उन दोनों भूतों से कहता है, प्लीज मॉम डैड, आप इन दोनों को मत मारना, ये मेरे दोस्त है, सिवाय इन दोनों के आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना, आप मेरे किए की सजा मुझे दीजिए, इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। ये कहते हुए जिन उन भूतों से माफी मांगता है, साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज है क्योंकि मैं इस होटल की जिम्मेदारियां नहीं संभाल रहा हूँ, आप प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए, मगर मेरे दोस्तों को कुछ मत कीजिएगा। ये सुन वो भूत आगे बढ़ने लगते हैं तो ये देख होम जिन से भागने के लिए कहता है, मगर जिन उसकी एक नहीं सुनता और वहीं पर खड़ा रहता है। ऐसे में होम जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए गले से लगा लेता है और पीछे से लीन भी आगे आकर उन भूतों से उन्हें बख्श देने की बात कहता है। अब डरा हुआ जिन अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसे ये दिखता है दरअसल भूत ने होम को जिन समझ उसका मुँह पकड़ लिया था। इसके बाद जिन उस भूतनी के हाथ पकड़ अपने फेस पर रख देता है और कहता है, मॉम ये मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। इसके बाद वो भूतनी झुक कर जिन की शक्ल देखने लगती है कि तभी जिन भी उसकी शक्ल देखता है। वो उसे देखते ही समझ जाता है कि वो भूतनी उसकी मॉम नहीं है और इसके बाद वो चिल्लाता है, भागो, जिसके बाद वो और उसके दोनों दोस्त बाहर की तरफ भागते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें सुजुकी दिखती है जो कि एक सीक्रेट रूम में पहुंच गई है। यहाँ उसे सारी चीजें दिख रही है, यहाँ एक पुल्ली भी है जिससे कि रस्सी बंधी हुई है और जब वो इस रस्सी को खींचती है तो वो एक झटके से उसके हाथ से छूट जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें जीन, लीन और होम को दिखाया जाता है जिनके पीछे भूत भाग रहे हैं। जिनसे बचने के लिए होम अपना फोन भूतों के ऊपर फेंक कर मारता है, मगर भूत उससे बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जीन अपने फोन की तरफ देखता है तो उसे इसमें सिर्फ 1% ही बैटरी नजर आती है। अब इन तीनों को कैसे भी करके वो फोन वापस लाना है जो उन्होंने थोड़ी देर पहले भूतों पर फेंका था, जिसके लिए अब वो तीनों रेंगते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ आखिरकार होम को अपने फोन फर्श पर पड़ा मिलता है। मगर जैसे ही वो उसे उठाता है तो एकदम ही वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ये देख पीछे खड़े जीन और लीन की भी हालत खराब हो जाती है। अब पता नहीं क्यों, मगर लीन उन दोनों को अपनी सांस से रोकने को कहता है और वो चुपचाप वहां से जाने लगते है कि तभी वो भूतनी होम को पीछे से पकड़ ऊपर हवा में उड़ जाती है। ये देख फौरन वो दोनों होम की टांगों को पकड़ लेते हैं और अब जिन जैसे ही ऊपर से भूतनी की तरफ देखता है तो उसे एक रस्सी दिखाई देती है जिसे देख वो लीन को आगे कर पीछे चला जाता है। पीछे से जिन भागते हुए छलांग लगाता है और उस रस्सी को काट देता है, जिसके बाद होम सीधा जिन पर गिरता है और वो भूत भी डरपोक लीन के ऊपर जा गिरता है।
वहीं दूसरी तरफ से जिन उस भूत पर हमला करने के लिए दौड़ता है। ये देख पीछे से एक दूसरा भूत आकर उसे ऐसा करने से रोकता है और ये भूत कोई और नहीं बल्कि जिन के दादी माँ ही होती है। दरअसल उन्होंने एक भूत का भेष धरा हुआ था। वहीं उन्हें अब ये पता चलता है कि वो दूसरा भूत भी कोई और नहीं बल्कि जिन के दादाजी ही है। अगले सीन में हमें दादाजी हॉस्पिटल में नजर आते हैं। वो अपने पोते यानी जिन से काफी नाराज है। वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा रिश्ता कभी कबूल नहीं करूंगा। दरअसल यहाँ जिन के दादाजी को ये गलतफहमी हो गई थी कि जिन और होम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी वो दोनों एक गे कपल है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जिन की दादी ने अभी भी वो भूत का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, जिसे देख एक पेशेंट बुरी तरह डर जाता है और वहाँ से चीखता हुआ भाग जाता है। वेल, जिन के दादाजी उसे कहते हैं कि वास्तव में तुम्हारे पेरेंट्स इस होटल को एक हॉन्टेड हाउस बनाना चाहते थे, क्योंकि ऐसे होटल्स में जाना लोग बहुत पसंद करते हैं और इससे उनकी अच्छी कमाई भी हो सकती है। वो कहते हैं हमने तुम्हें यहाँ इसी आइडिया पर डिस्कस करने के लिए ही बुलाया था, पर तुम अपने साथ ये दो नमूने ले आए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना यह आइडिया पहले इन्हीं दोनों पर आजमाया जाए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस होटल में जगह जगह पर खुफिया दरवाजे बने होते हैं, जहाँ छुपके से कोई भी आ जा सकते हैं। साथ ही यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि दादी जी जिस लंबे वालों वाली औरत को कंघी कर रही थी, वो तो असल में एक डमी यानी पुतला था। इसके अलावा अब तक होटल में जितने भी अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी, वो सब भी जिन के दादा और दादी की ही करामात थी। यहाँ से सीन कट डाउन होता है और हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपने होटल में बैठा पुरानी चीजों को देख मुस्कुरा रहा होता है कि तभी उसे उसके मोम डैड नजर आते हैं। वो उन्हें दिखाता है कि उसने कितना अच्छा हॉन्टेड होटल तैयार किया है। वो उन्हें उस होटल की डरावनी चीजों को दिखाता है, जिसे देख वो सचमुच डर जाता है। यहाँ असल में जिन ये सब इमेजिन कर रहा होता है कि अगर वो एक शानदार सा हॉन्टेड होटल बना लेगा तो उसके पेरेंट्स कितने खुश होंगे। रात को जब वो अपने दोस्तों के साथ हॉट स्प्रिंग में बातचीत कर रहा होता है तो वो कहता है कि मैं अक्सर अपने बचपन में अपने मोम डैड के साथ हॉरर हाउस जाया करता था, जहाँ मुझे जब भी डर लगता था तो मैं अपने पापा को टाइटली हग कर लेता था। वो कहता है कि हम बहुत एंजॉय किया करते थे, मगर जैसे ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई सब कुछ बदल गया। यही कारण था कि जिन एक हॉरर हाउस में जॉब करता था, जहाँ उसे और भी फैमिलीज के बीच ऐसे ही प्यार भर का मौका मिलता था। इसके बाद फिल्म का सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हमें कुछ हफ्तों बाद का नजारा दिखाया जाता है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे रिसर्च के साथ जिन के होटल में आए हुए हैं। जिन हंसी खुशी सबको वेलकम करता है, साथ ही अब उसका होटल भी बहुत अच्छी हालत में है। वहाँ अब सारी चीजें बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी है। जिनके अलावा उसके दोनों दोस्त लीन और होम भी उसके होटल चलाने में मदद करते हैं, और साथ ही सुजुकी भी जिनके साथ है। आखिर में दिखाया जाता है कि उनके होटल में एक कपल भी आते हैं जो कि उनका हॉरर हाउस देखना चाहते हैं, और यही ये फिल्म एक हैप्पी नोट पर एंड होती है।